आरती भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। गुमला झारखंड राज्य के गुमला जिले में सरकार प्रशासन एक और शहर से लेकर गांव के सुदूरवर्ती क्षेत्र में डायन जैसी कुप्रथा अंधविश्वास को लेकर लगातार लोगों के बीच जागरूकता का दीपक जला रही है। वहीं दूसरी ओर डायन बिसाही के आरोप लगाकर एक वृद्ध दंपति को अपने ही गांव से 3 वर्षों से डायन बिसाही के आरोप में दंपति के साथ मारपीट कर गांव से बाहर कर दिया। विडंबना है कि एक तरफ सरकार प्रशासन डायन जैसी कुप्रथा को लेकर लोगों को जागरूक कर कुप्रथा को खत्म करने की बात करी, लेकिन कुछ निजी मामले या जमीन के लालच के कारण सामाजिक नैतिकता को ताक पर रखकर डायन कुप्रथा का लाभ उठाकर घटना को अंजाम देते हैं। मामला शहर से सटे 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़ा लोरो गांव का है, जहां जमीन हथियाने के लिए डायन बिसाही के आरोप में एक वृद्ध दंपति 82 वर्षीय महिला उरांव 77 वर्षीय बुद्धनी देवी को अपने ही गांव से मारपीट कर भगा दिया गया, जिसके बाद गुमला से सटे पुग्गू पंचायत के ढवठा टोली में अपनी बेटी के यहाँ 3 साल से रहने को मजबूर है। माय बाप के कैसे कहाँ से कहाँ ले आ लाए, कब बता बता। अरे मारपीट कर लाए माय बाप से, आना लाए बिट्टी थी ना लाए, तो बिट्टी राई खे खन गरी यहाँ से। मैं राई खोई खन कहाँ के भेजबो, बुढ़ा बुढ़ी के उमन मके पालादारी कई रहा है, ते मन के खान कहाँ में भेजो। मैं राई खो के बढ़िया थे, मन के खाना पीना जे आटे जुड़े देवो थो खिया थो पिया थो बढ़िया से। तो कहाँ वाला कहाँ हो रहे अब से के, तो हम तो कैसे देखो नहीं जाए, कैसे जानबो तब कैसे मार के बताला तो सुनात रहे डाइने भी सही कर बारे में कही के मारपीट कर। हाँ मारपीट कर ले खाने आगे बूढ़ा वाला, बूढ़ा का 3 साल होला, अब माय कर हो थे खन 1.5 साल, अब 1.5 साल हुई जी। हाँ लाउर मायर कूद कर मैं कहीं गुमन जान बचाए कर चल, तुम्हें भेज दिला है। हाँ था टोले में खाना है बेटी घर। प्रशासन से पुलिस मोर माय बाप के मैं राइक हो दिमाग से मोर उत्तर डाइन भी सही। हाँ जमीन कर लेके डाइन भी सही कैसे भगा है माय बाप के, मारपीट करके भगा दे। मारपीट करके भगा, कोई खाए वाला जमीन का बेटा मन नखा से लगोतिया। हाँ बेटा मन नखा से ले जमीन खाए के लिए। हाँ डाइन कर आरोप लगाए। हाँ डाइन कर आरोप लगा है जब रही जैसे मौत ना है तो मुख तो कोई डाइन भी सही नहीं। हाँ ताकि वो सब झूठ बात है, डाइन भी सही तो हो वाला नहीं कुछ। हाँ डाइन भी सही तो कहे तो झूठ बात भी नहीं के तो कर मौत ही नहीं कोई घर देव क्या दर पाए नहीं घर देव क्या दर पाए नहीं और मौत ही नहीं को दोनों जान के तो सब जमीन के लालच में सब ऐसा कर है। हाँ तो अब तो कर बेटा है ये ना खाए तो लालचे नहीं कर रहा था मन जमीन को। क्या नाम तो शुक्रो देवी। सरकार से कोनो चाहिए कहीं जमीन जगह मिलता घर मांग बोलो का चाहिए। जमीन चाहिए मन के कितने दिन में रख रहा हूँ मोर थी मैंने घर है जमीन। हाँ घर रही मान ले घर बनाए देवे घर जमीन मन के यही सा है अपन से के मिल जाते हैं। हाँ, अपन ही सब है गांव में बनाए गए हैं। ठीक वहीं नेता हो या प्रशासन 3 वर्ष के बाद भी वृद्ध दंपति की सुध किसी ने नहीं ली, ना ही हालचाल जाना। गांव के लोगों द्वारा मारपीट और जान से मार देने की धमकी के बाद अपनी जान बचाने के लिए वृद्ध दंपति बेटी के घर रहकर अपनी गुजर बसर कर रहा है। गांव के ग्रामीणों की माने तो लोगों ने बताया गांव में अजीबोगरीब घटना घटी थी। कुछ दिन पहले गांव में गंभीर बीमारी से कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद गांव के महली उरांव बुधनी देवी के ऊपर डायन बिसाही करने का आरोप लगाकर गांव से बाहर निकाल दिया गया। जानकारी के बाद मीडिया सामने आई, मीडिया गांव पहुंची, वृद्ध दंपति से बातचीत की। दंपति ने कहा कुछ लोग मेरी जमीन को हड़प कर बेचने का कार्य कर रहे हैं, गांव में जब तक था तब तक जमीन पर मेरा कब्जा था, जिसको लेकर गांव के लोगों ने जमीन के लालच जमीन को हड़पने की नीयत से गांव में हम दोनों पति पत्नी को डायन बताकर गांव में अफवाह फैला दी, जिसके बाद लोग प्रताड़ित करने लगे, बाहर निकले, जानलेवा हमला भी किया जिसमें बाल बाल बचे, आए दिन मारपीट गाली गलौज भी करता था, कई बार जान से मार देने की कोशिश की, वहीं जान माल की रक्षा के लिए प्रशासन से गुहार भी लगा करे घैसिया और बटा है समय कुदै कुदै के कहा कुदै कुदै के मारो तुम कहा जाओ तने है कहा कहा जाओ बूढ़ा तो ही रहे था ये तो कोने कोने है मतलब है कौन कौन बटे इन्हें पोखरा बटे जाओ नहा के रहती भी अगर जाओ ना अगर
ये टोटो काम कर लेती भी हो खुद तो का कह के मारत रहे डैन विषय है कह डैन कह के मारत है हां डेढ़ साल से केशव केशव रहे हां केशव केशव रहे नाम का है बताओ तो के है नहीं सुनो नाम ऐसे कर के हर नए नए रह चार ला मारे वाला घेसिया से अन तंग 10 वर्षों में गांव का महीने आवाना खाने उस दिन पोखरा गेलो नहाय के लेखन पोखरा उठा भरल पोखरा है डुंगे टुली तर जाय के बटे भरल पोखरा पोखरा को ना खून देवे के को तो डब्बो में जाय के नहाय के सांझ बराबर हम कह दे शुक्र बिकसे कुदाय रहे मारे के ले मारे के ले तो से का जान लेक देला चला अब दिन मन रह ले तो से डर से तो नहीं जगह रहला हां कि कहियो जान से मार देबे मार बाजे तो नहीं मारता है से कौन गांव में रहा तुम्हें करना तो बताओ ही बेटी खाए पिए के दल पूरा का नाम है क्या का नाम तो नाम की क्या बुधनी दीदी तो तुहरे बाहर ने कहा होला बात हो तीन साल हो तो बुढ़िया कर तो पहले तो के जोर से बोलू ना तनी जोर से बोलू तो यही यहाँ तक अपने जावन तो घूमे ले अगर कौन है रास्ता लाने तो बुढ़िया जाए ला के भगाए है के सब का कह गए है ओके बतावा के सब मायर हैं के सब का कह दिया कर बेटा ले। नाम बतावा पूरा नितिया कर बेटा उसका नाम दिनेश गिरी हाँ क्या नाम का नाम है सोमे सोमे नानी खाल खुआ बाबू और कम डारियो भाई की लेने से ला पक्का तो मैं रहता कुल जितनी जी गिर जाते हैं पूरा मेरे कर पिछका ना थे उठकर मुझे सब पक्का तो नहीं मार मत मारा हम कुछ के घर और घर गिला तो टुकड़ा खराब जो सब बोल तब तो इन्हें भगवे कर लो बेटी कौन बेटी मझली बेटी की छोटकी बेटी की मझली छोटा से छोटी इधर मिशन बदलाव के प्रेम कश्यप को मामला संज्ञान में आने के बाद गांव का दौरा किया वृद्ध दंपति से मिले वस्तु स्थिति का जायजा लिया जिसके बाद जिला प्रशासन से अपील की कहा कि डैन बिसाही जैसे अंधविश्वास नहीं लोग निजी स्वार्थ को लेकर डैन बिसाही का लाभ उठाकर घटना को अंजाम देते हैं इस घटना में जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही वहीं जिले के उपायुक्त ने बताया जो जमीन हड़पने के लिए डैन बताकर गांव से बाहर किया एक टीम गठित कर जांच कर दोषी पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही स्वास्थ्य का मामला है डैन बिसाही कुछ होता नहीं है वजागुनी कुछ होता नहीं है इस पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और एक बृहत कार्यक्रम भी चला रहे हैं जागरूकता अभियान इसमें हम लोग गांव में भी जाके जागरूकता अभियान चलाते हैं और स्कूल में भी जाके जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि इससे छुटकारा मिल सके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग उस जगह पर काम करना चाहते हैं खासकर कामदारा प्रखंड हो या बुमला प्रखंड हो सभी जगह ऐसा हम लोग करना चाह कर रहे हैं जी चूँकि ये 3 साल पहले की घटना जैसा आप लोग बता रहे हैं और हम लोग उनके घर पर जाके पूछताछ करेंगे जहां वो अभी रह रही है अगर सच्ची घटना होगी तो और वो अपने घर पर जाना चाह रही होंगी तो हम लोग घर पर उनको सारी सुविधाओं के साथ वापस वहाँ रखवाएंगे जिसमें किसी प्रकार की उनको परेशानी नहीं हो जांच करके इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।
फिलहाल देखा जाए जैसे सरकार का नज़र से या प्रशासन का नज़र से देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि डायन बिसाही को लेकर मतलब बहुत जगह नुक्कड़ नाटक या बहुत सारा न्यूज़ में कहा जाता है कि डायन बिसाही नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। और इसके चलते अभी भी समाज में देखा जाए सिंपल सी बात है कि अभी भी देख रहे हैं जहाँ पर हम आए हैं जैसे ढौटा टोली, वहाँ पर दो लोगों को डायन बिसाही कहकर उसको गांव से हटा दिया गया है बड़ा नोरों से, जिसमें इन लोग का बेटा बेटी मतलब बेटे बेटी लोग हैं, बेटा भी है लेकिन उसका भी बेटी बेटी हो गया है। और उसका खानदान वालों का यही सोच है कि ज़मीन को इसका हम पूरा हड़प लें, मतलब सब ज़मीन को हम खा लें। इसके चलते बिना मतलब के इनको डायन बिसाही कह के आरोप करके इसको गाँव से भगा दिया गया है। और मेरा यही कहना रहेगा कि यहाँ पर डायन बिसाही तो अभी नहीं होता है ना, इसका कोई मतलब होना चाहिए, लेकिन भी गांव लोग का ध्येय है, दृष्टि है, सोच है, उस सोच से दो परिवार का दो जन को अभी जैसे बुद्धमणि देवी और महलू राव जी को यहाँ पर गांव से रहने से वंचित करके वो अभी अपना बेटी के घर में रह रही है। और इन लोग को भाई तभी परेशानी है, क्या है कि उसका बेटी का घर में रह रही है, उसका हस्बैंड भी किसी कारण गुजर गए हैं, और सिंपल सी बात है कि यहाँ पर रह रहा है तो उसको डबल परेशानी है, उसका एक माँ बाप को, माँ बाप तो जन्म दिया तो झेलना तो है ही, लेकिन उसका भी बेटा बेटी लोग है उसको भी देख रही है। और मैं तो यही प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इन लोग को कुछ सपोर्ट करें, इस गाँव में जाए लोग और गाँव में रहे बढ़िया से, इन लोग को अधिकार मिले, इन लोग का अधिकार मिले, जो ज़मीन का हक अधिकार है वो सारा चीज़ मिले। धन्यवाद। प्रेम कच्छप, मिशन बड़ा गुंडा। बहरहाल जो भी हो, जिस तरह से अंधविश्वास का कहर लोगों में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक जागरूकता पर सवाल खड़ा होता है। लगातार जागरूकता के बाद भी अंधविश्वास की चपेट में आकर लोगों द्वारा हत्या कर दी जाती है या फिर गांव और घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रशासन की बड़ी चूक सामने आ रही है। आज भी लोग अंधविश्वास में जीने को विवश है। जरूरत है सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करने की। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।